अभिभावक हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद शंकर पांडे है। कहाँ से आए सर? हम मधुबन से आए हैं। मधुबन से अब यहाँ पे, और फिर पेपर आप बता रहे हैं निरस्त हो गया, तो किस तरह से देखते हैं? ऐसा है सर, पहले हमारी परिस्थिति आप जानिए। हम अपने लड़की को लेकर के आए हैं यहाँ, उसका छोटा सा लड़का है और उसके ससुर उस लड़के को संभाल रहे हैं, और मैं अपने लड़की को लेकर आया हूँ क्योंकि वो बालिका है, यहाँ लाया हूँ, सुबह का निकला हूँ, केवल चाय पिए करके आए हैं हम। इतना रुपये खर्च हुआ है जिन बालकों का, वो किस स्थिति में आए हैं, कोई बात मैंने देखा है यहाँ आके कि किसी का लेट हो रहा था तो दौड़ के आ रहा था। अगर इसी तरह से पेपर लीक होता रहा तो आप बताइए, जितने पूरे प्रदेश में बालक जो है जिनका नुकसान हुआ है, वो कहाँ से लाए हैं, किस तरह से होता रहा, तो वो बताइए। वो बच्चे जिनका उम्र समाप्त हो जाएगा, बच्चियों का उम्र समाप्त हो जाएगा, उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी? एक और अभिभावक है, उनसे बात करते हैं। आप अभिभावक हैं कि परीक्षार्थी हैं? किस तरह देखते हैं ये जब परीक्षा निरस्त बताएंगे? ये चीज़ तो गलत है, सरकार की भी नाकामी है। सरकार चाहती तो ये निरस्त नहीं होता। निरस्त नहीं होता? नहीं होता। अब बच्चों का इसमें नुकसान हो रहा है, चाहे अंकल जी बोल रहे थे जो उम्र की बात है, सच्चाई है, जो बच्चे की उम्र ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह कोर्ट में मैटर चला गई भर्ती, फिर कराएं, फिर इसी तरह परीक्षा निरस्त हो गई, तो जो बच्चे की उम्र ख़त्म हो रही है वो कहाँ जाएंगे बेचारे? गरीब आदमी मेहनत कर किस तरह बच्चों को पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब सरकार ऐसी कर रही है कि पेपर निरस्त हो। कहाँ कहाँ से लोग ठंड में घर से भाग के खाए पिए बिना आए हैं, तो सरकार की कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं कानपुर से। कानपुर? हाँ, कानपुर से मऊ परीक्षा दिलवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, किस तरह देखते हैं ये जो परीक्षा निरस्त की गई है, तो आपके मन में क्या है? आप कानपुर से परीक्षा दिलवाने सिर्फ आए थे, तो क्या सोचते हैं आप? हम ये सोचते हैं कि जो भी परीक्षा हो निष्पक्ष हो और उसमें कोई त्रुटि ना हो, किसी प्रकार का वो ना हो, इस तरह से परीक्षा करानी चाहिए बस। ये इतनी बड़ी परीक्षा थी, तो कहीं ना कहीं आप देखते इतने तैयारी के साथ थे, जैसा कि और लोगों ने बताया कि उम्र बीत जाएगी तो हमें परीक्षा कैसे, हमको नौकरी मिलेगी, तो आखिर क्या आपके मन में है, किस तरह की एक सरकार को योजना बनानी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? सरकार को योजना बनानी चाहिए कि या तो जो है डेट ऑफ बर्थ थोड़ा बढ़ा दे, डेट ऑफ बर्थ, ताकि ऐसे लोगों को दोबारा मौका मिल सके। और हमारी राय से सरकार को यही व्यवस्था करनी चाहिए कि किस प्रकार लीक हो रहा है, किस प्रकार से वो हो रहा है, हाँ, किस प्रकार से सरकार जो है ये, या तो सही प्रशासन नहीं है, सही वो नहीं है, इसीलिए तो परीक्षा लीक हो रही है।